हाय एवरीवन, एक बार फिर से सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल पे। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको दिखाने वाले कि गोंद का पॉलिश किस तरह से तैयार किया जाता है। तो आप भी वीडियो को देख के पॉलिश जरूर बनाइएगा जो आपके फर्नीचर को सोने से ज़्यादा चमका देगा। तो देर किस बात की है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो फ्रेंड, गोंद का पॉलिश बनाने के लिए हमें ज़रूर पड़ती है एक आड़ू के पेड़ की, जिसमें गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम में भरपूर मात्रा में गोंद पाई जाती है। और करना हमें कुछ भी नहीं होता है, गोंद को ज़रूरत के हिसाब से कलेक्ट कीजिए। और जो गोंद आपकी कलेक्ट है उसमें थोड़ा सा थिनर मिला दीजिए और उसे अच्छी तरह से हिला के अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर टाइम मिले तो आप बीच में भी इसे हिलाते रहिए हमारी तरह। और अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ये हमारी दाना दाख है, ये स्पेट आ गया और गोंद जो हमने कलेक्ट की हुई थी। और हमें एक बर्तन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो हमारा दाना लाख होता है ये भी गोंद ही होती है, पर ये फिल्टर गोंद रहती है, फिल्टर करके बनती है और ये सूखी हुई गोंद है। तो आप इसे एक बर्तन या मिक्सी में भी आप इसे डाल सकते हो ताकि हम इसे बारीक कर सकें। और इसको डाल के आप बारीक करते जाइए। और फ्रेंड, आप इसको ज़रूरत के हिसाब से बारीक कीजिए, ये जितनी बारीक कर सकते हो आप कर लेना, क्योंकि जितनी बारीक होगी ये उतना ही इसको पिघलने में जो हमारा समय है वो कम लगेगा। और हमने इसको इतना बारीक किया है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो ताकि आपके टाइम की जो है बस्ट हो सके। और अब आपने करना कुछ नहीं है, ये जो हमारा पाउडर बना है दाना लाख का, आप इसे थिनर की बोतल में डाल दीजिए। थिनर की बोतल में डाल सकते हो, आप डिब्बे में भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास बर्तन हो। और इसके बाद जो हमने गोंद का रस बनाया हुआ है, पूरा एक दिन लगा है इस रस को, इसको भी आप इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद आप इस बोतल को या जो भी आप बर्तन यूज कर रहे हो पॉलिश बनाने के लिए, इसे अच्छी तरह से हिलाइएगा और एक स्थान पे रख दीजिए। और ये दूसरा दिन है तो पॉलिश हमारा पिघल के पूरा ऊपर आ गया है। और आप अब पॉलिश को इस तरह से कलेक्ट कीजिए किसी अन्य बर्तन में। और जो पीछे इसका मटेरियल बचेगा गाइस, उसका भी पॉलिश बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें पूरे एक हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिश बनाने के लिए एक हफ्ता लग जाता है। तो जितना भी आपका पॉलिश ऊपर तैर के आया है, इसके लिए आप पूनी या छानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये अपने आप ढलते जाता है। और जो वेस्टेज मटेरियल है आप इसे भी हिला के रख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पॉलिश को कैसे यूज़ करना है, और भी पॉलिश के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसके लिए हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और लास्ट में स्टे सेफ स्टे होम, आजकल सभी की जबान पे ये लफ्ज़ है पर ऐसा कई लोग कर नहीं पा रहे हैं।
तो उसके लिए हमें खेद है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।